नमस्कार और शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी में भगदड़ मच चुकी है और इस बीच एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी जो कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, औपचारिक ऐलान अब कुछ ही देर में, और ये तस्वीरें सीधे बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, बहुत ही खास ये तस्वीरें हैं। जिस तरीके से दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ा झटका है टीएमसी के लिए। हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मंत्री रहे, 2012 में उन्होंने देश के रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 2014 में वे बैरकपुर से एक बार फिर से 16वीं लोकसभा का चुनाव लड़े और सीपीएम को हराया। 2017 में वित्त संबंधी स्थायी समिति के सदस्य बने। अप्रैल 2020 से 12 फरवरी 2021 तक वे पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद रहे और 12 फरवरी को उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। दिनेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से कि वो पुष्पगुच्छ और पटका इत्यादि दे करके फॉर्मली दिनेश जी को पार्टी में इंडक्ट करें। तो जी हिंदुस्तान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। औपचारिक तौर पर दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी का पट्टा पहनाकर फूलों के साथ उनका स्वागत किया गया और आज ऑफिशियल तौर पर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं दिनेश त्रिवेदी। तो देखिए, एक के बाद एक झटका यहां पर ममता बनर्जी को लगता हुआ नजर आ रहा है और एक और बड़ा झटका ये लगा है। फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, स्वागत के दो शब्द आप सबके बीच में रखें। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ उपस्थित न्यूली जॉइंड हमारे वरिष्ठ सहयोगी सम्मान्य दिनेश त्रिवेदी जी, भारत सरकार में मंत्री भाई पीयूष गोयल जी, भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी संवित पात्रा जी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दिनेश त्रिवेदी जी को भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल कर रहे हैं और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में देश की सेवा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करना चाहते हैं। मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की तरफ से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दिनेश त्रिवेदी जी का राजनीति में एक लंबा अनुभव रहा है और उन्होंने एक यात्रा जिसको हम कह सकते हैं कि वैचारिक यात्रा राजनीति में की है। सत्ता को दरकिनार करते हुए, विचार की लड़ाई लड़ते हुए, एक बहते हुए पानी की तरह उन्होंने अपना जीवन, राजनीतिक जीवन गुजारा है। ऐसे विचारशील व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, ये दो बातों को इंगित करता है। एक तो उस बहते हुए पानी की तरह विचार में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को समावेश किया है और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी में ही ये ताकत है कि सभी विचारशील लोगों को अपने साथ समा करके देश की सेवा में लगा सके, ये इसमें से दिखने को मिलता है। व्हेन आई टॉक अबाउट दिनेश त्रिवेदी जी, आई ऑलवेज से एंड आई ऑलवेज यूज टू से दैट ही इज़ अ राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी। वह एक अच्छे व्यक्ति, अच्छा व्यक्तित्व एक गलत पार्टी में है और ये वह भी महसूस करते थे। आज उनको जब हम शामिल कर रहे हैं तो मुझे खुशी भी हो रही है कि नाउ द राइट पर्सन इज इन द राइट पार्टी, सही व्यक्ति सही पार्टी में है जहां उनका उपयोग देश की सेवा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कर सकेंगे। अगर हम इनके राजनीतिक जीवन को देखें तो ही हैज ऑलवेज पेड द प्राइस फॉर प्रिंसिपल्स। इन्होंने राजनीति में नीतियों के कारण
कीमत चुकाई है और उस कीमत को चुकाने में वो कभी भी पीछे नहीं रहे हैं, फिर चाहे वो रेल मंत्री के रूप में हो और उसके बाद भी जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के अंदर तृणमूल कांग्रेस में भी इन सारी बातों को कहते रहे, उजागर करते रहे समय समय पर, वो बताता है कि एक विचारशील व्यक्तित्व किस तरीके से अपनी बातों को रखता है। और अभी भी अगर हम देखें तो आप राज्यसभा के सदस्य थे, फॉर प्रिंसिपल्स आपने राज्यसभा की सीट छोड़ी है। ये आइडियलिज्म वर्सेस ऑपरचुनिज्म, यानी ऑपरचुनिज्म को छोड़कर, अवसरवादी विचार को छोड़कर, वैचारिक पृष्ठभूमि पर आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ आप आए हैं। और इसमें से हमको यह भी दिखने को मिलता है कि आप किस तरीके से वैचारिक दृष्टि से ऑपरचुनिज्म को छोड़कर, अवसरवादिता को छोड़कर, राज्यसभा की सीट छोड़कर के वैचारिक पृष्ठभूमि पर आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। इसलिए हम सब लोग आपका स्वागत भी करते हैं और यह भारतीय जनता पार्टी की विशेषता को भी बताता है कि किस तरीके से आज मोदी जी के नेतृत्व में सभी लोग देश की सेवा करने का अगर कोई फोरम, प्लेटफॉर्म, राजनीतिक दल कार्य करने की इच्छा को पूरा करना, यह करने का अगर फोरम और पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, यह भी इस बात को दर्शाता है। मुझे दिनेश जी कोई 2 महीने पहले मिले थे और दिनेश जी ने मुझसे कहा था कि आई वॉन्ट टू सर्व द नेशन एंड आई वॉन्ट टू सर्व इन द राइट वे। इन्होंने पार्टी की बात नहीं की थी लेकिन इनके मन में ललक, और आप समझ सकते हैं जो हम बार बार कहते थे कि तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, लोकतंत्र की हत्या, इंस्टीट्यूशंस को का गला घोटना, ये सब कुछ विराजमान है। और इसीलिए संवेदनशील, विवेकशील व्यक्तित्व दिनेश त्रिवेदी ने तृणमूल कांग्रेस को धत्ता दे करके भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया है। और पश्चिम बंगाल में आप सेवा करेंगे, पश्चिम बंगाल की आप सेवा करेंगे, पश्चिम बंगाल के लिए आप निश्चित रूप से चुनाव में भी आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की सेवा में आप अग्रगणी रूप में सारी संगठन को आप के समावेश करते हुए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आपका पुनः स्वागत है। यह आज की आपकी ज्वाइनिंग आइडियलिज्म की को बढ़ावा देता है, ऑपरचुनिज्म को एक तरीके से नकारता है, और इसी तरीके से अब सही व्यक्ति सही पार्टी में सही प्लेटफॉर्म पर देश की सेवा करने का आपको मौका मिलेगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। पश्चिम बंगाल की सेवा करने का मौका मिलेगा। पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नड्डा जी। अब मैं निवेदन करूँगा सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। नड्डा जी, मैं सिर्फ धन्यवाद कहूँगा तो मुझे लगता है कि मेरी भावना अधूरी रह जाएगी। अधूरी क्या कि बिल्कुल नहीं कह सकूँगा। आज वो स्वर्ण पल है मेरे लिए जिसका नड्डा जी आप भी जानते हैं और मेरे जितने मित्र हैं वो सभी जानते हैं कि मुझे वाकई में इसका इंतज़ार था। और जैसे विचार की नड्डा जी आपने बात की, मैं तहे दिल से आपका अध्यक्ष जी नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी और पूरे जनता परिवार, अब जब परिवार की बात आती है तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज हम सार्वजनिक जीवन में क्यों है। सार्वजनिक जीवन में इसीलिए है कि देश और जनता सर्वोपरि होती है। अब बहुत दशक से हम सार्वजनिक जीवन से हैं, प्राय कह सकते हैं कि कॉलेज छोड़ा और नौकरी और धंधे में कुछ खास दिलचस्पी नहीं रही मुझे। वो अपने अंदर में कुछ होता है ऐसा, वो आप सब जानते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती है
जो परिवार सर्वोपरि होता है, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्ट, पॉलिटिकल फैमिली। और मैं अपने तजुर्बे के साथ कहता हूं कि एक सर्वोपरि होता है कि हमें परिवार के लिए काम करना है, और परिवार होता है पॉलिटिकल फैमिली, और एक परिवार होता है जनता का परिवार। और उसलिए भारतीय जनता पार्टी, तो आज मैं सचमुच ये जनता के परिवार में शामिल हुआ हूँ। और हम लोग क्यों शामिल होते हैं कि जनता की सेवा, ये मकसद तो यही होता है ना। अब वहाँ दूसरी पार्टी में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अब सब जानते हैं, वहाँ एक परिवार की सेवा होती है। जनता की सेवा होती है कि नहीं मुझे पता नहीं है। हमने कभी अपने विचारधारा को नहीं छोड़ा जहाँ भी हम रहे हैं, और मेरे लिए देश सर्वोपरि रहा है और वो हमेशा रहेगा। यदि देश सर्वोपरि नहीं होता तो फिर आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही सब जगह। हम आपको एक छोटी जो बड़ी बात है कि आज एक हमारे जो कोरोना का जो रेगुलर टेस्ट होता है, हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, पीरियोडिकली कराना पड़ता है। तो आया, मैंने कहा आपका नाम क्या है, कहा मेरा रवि गुप्ता। मैंने कहा रवि बताओ क्या हो रहा है, हम ये एक महीने पहले की बात कर रहे हैं। वो तो रवि कहता है कि बहुत अच्छा हो रहा है देश में, और कहता है कि आज हमारा सीना चौड़ा हो रहा है कि पूरी दुनिया भारतवर्ष की तरफ देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार भारतवर्ष तरक्की कर रहा है। और हम जो गरीब है ना, वो हमेशा देश की तरफ देखते हैं, और हर व्यक्ति को ये एहसास है, विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री और जनता, भारतीय जनता पार्टी देश को सुरक्षित रखेगी। आज मेरा, हम पायलट भी रहे हैं, मेरा एयरफोर्स में काफ़ी हमारे मित्र हैं, बहुत सारी अंदर की जब बात पता चलता है, वो कहते हैं कि इन दिनों ऐसे वाक्य हुए कि हमारे पड़ोसी मुल्क वो हिंदुस्तान को बहुत सीरियसली लेने लगे हैं। वो कहने लगे हैं कि ये देश जो कहता है अब वो ही करता है। अब जब बंगाल जितने भी होनहार, आप बाहर चले जाइए, हिंदुस्तान के हैं, बंगाल के काफ़ी हैं, प्रोफेसर हो, स्टूडेंट हो, और आज वही बंगाल वहाँ के जितने लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाना कोई गलत बात नहीं, मगर बंगाल अपने आप में सक्षम है। और आज ये माहौल बंगाल में है कि वहाँ के जनता मुझे कहती थी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं हर जगह। और ये आज हम भारतीय जनता पार्टी में समावेश हुआ उसीलिए नहीं कह रहे, हम तंग आ चुके थे। हर एक व्यक्ति, पड़ोसी हो, जान पहचान वाला हो, अनजान हो, फोन करके कहता था कि यहाँ तो आपके लोग आते हैं, मारपीट करते हैं, पैसा मांगते हैं। एक स्कूल यदि बनाना हो और स्कूल की दीवार करनी है, वहाँ भी चंदा देना पड़ता है, और एक नहीं, हर रोज कोई नहीं आते। इतना आतंक, इतनी हिंसा, इतना करप्शन, मतलब बंगाल बंगाल है। आप एक तरफ कल्चर की बात करते हो और दूसरी तरफ हिंसा, और आपकी जो जबान होती है ये शोभा नहीं देता है। तो अंत में मैं यही कहूँगा, बंगाल का जो गौरव है वो पुनः सोनार बांग्ला जिसकी बात करते हैं, और सोनार बांग्ला क्या होता है, विचारों की बांग्ला। What Bengal thinks today, rest of the country thinks, or maybe the rest of the world thinks tomorrow. और आज बंगाल के लोग बहुत ही खुश है कि एक असली परिवर्तन होने जा रहा है। तो पुनः रूप से नड्डा जी, मैं आप सबका, गोयल जी, पीयूष जी सब है, हमारे ऐसा है कि यहाँ हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, और हम ये समझते हैं कि राजनीति में सर्वोपरि होता है देश। और आपने मुझे मौका दिया,
बंगाल की जनता के लिए काम करने के लिए, देश की जनता के लिए काम करने के लिए, और मैं जैसा भी हो जो भी हो आदेश दीजिएगा और हम हमेशा आप जनता के साथ रहेंगे। यही कहते हुए आपका पुनः रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय नड्डा जी का बहुत धन्यवाद। तो देखिए औपचारिक तौर पर दिनेश त्रिवेदी जो कि बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और इसे स्वर्ण पल बताते हुए दिनेश त्रिवेदी कि इस पल का इंतजार मैं कई सालों से कर रहा था, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल की जनता तंग आ चुकी है। जिस तरीके से आतंक, हिंसा, करप्शन जिस चरम पर पहुंच चुका है, उसके बाद अब मजबूरी बन चुकी है कि बंगाल में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। और हम लोग क्यों शामिल होते हैं कि जनता की सेवा, ये मकसद तो यही होता है ना। अब वहां दूसरी पार्टी में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अब सब जानते हैं, वहां एक परिवार की सेवा होती है। जनता की सेवा होती है कि नहीं मुझे पता नहीं है, हमने कभी अपने विचारधारा को नहीं छोड़ा जहां भी हम रहे हैं। तो जनता की सेवा होती है या नहीं होती है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि टीएमसी पर किस तरीके से हमला बोलते हुए दिनेश त्रिवेदी नजर आए कि वहां पर केवल परिवार की सेवा होती है, जनता का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन अब देश सर्वोपरि है और बंगाल की जनता के हित में जो काम करना चाहता हूं वो बीजेपी में शामिल होकर अब मैं कर सकता हूं। और देखिए ये भी दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि बहुत लंबे समय से मैं इंतजार कर रहा था, ये वही पल क्षण है जिसका मुझे इंतजार था। तो बंगाल में हिंसा अपने चरम पर है, हालांकि इससे पहले आपने देखा कि दिनेश त्रिवेदी ने किस तरीके से राज्यसभा में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि मुझे घुटन महसूस होती है, वहां पर कोई अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता, और इसी वजह से मैं राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। जब पहली तस्वीर सामने आई थी राज्यसभा से, और अब देखिए टीएमसी पर हमला बोलते हुए साफ कहा कि यहां पर परिवार का ख्याल रखा जाता है, यहां की जनता की फिक्र किसी को नहीं है, और इसी से त्रस्त आकर मैं इस पल का इंतजार कर रहा था और ये पल मेरे लिए स्वर्ण पल है, और अब पूरे ईमानदारी के साथ पूरी निष्ठा के साथ बंगाल की जनता की सेवा करने का मौका मुझे मिला है। बिल्कुल, तो देखिए साथ ही साथ ये भी कहा है कि देश और जनता सर्वोपरि है और मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, इसीलिए मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूं। दरअसल उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि देखिए मैं जनता की पार्टी में शामिल हुआ रहा हूं। किस तरीके से अपनी बात को उन्होंने यहां पर रखा और सीधा सीधा उन्होंने निशाना टीएमसी पर साधा है। वहां पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं उसका जिक्र भी दिनेश त्रिवेदी ने अभी किया, और साथ ही साथ ये कहा कि जो पीएम मोदी कहते हैं वो करते हैं। गरीबों और वंचितों को पीएम मोदी से बहुत उम्मीदें हैं, इस बात का भी जिक्र किया दिनेश त्रिवेदी ने। पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, बीजेपी देश को सुरक्षित। देखिए चुनाव लड़े या ना लड़े, मगर चुनाव की प्रक्रिया में हम सक्रिय हैं। ये क्या है भाई? सर आज ममता बनर्जी ने कहा है भवानीपुर से नहीं लड़ेंगी, वो सब नंदीग्राम से लड़ेंगी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो छोड़ के जा रही है भवानीपुर, क्या रीजन है? बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया, और जहां से भी जो भी लड़े जनता का जवाब बहुत ही साफ है। और मैं समझता हूँ जनता, बंगाल की जनता तरक्की चाहती है, करप्शन नहीं चाहती है, हिंसा नहीं चाहती। तो आज बंगाल की जनता एक असली जनता के परिवर्तन के लिए तैयार है। पहले जो परिवर्तन हुआ था वो सत्ता का परिवर्तन हुआ था, व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हुआ। अब व्यवस्था का परिवर्तन होगा और सत्ता का परिवर्तन। ममता जी ऐसा खेला हो गया, आपको लगता है अबकी बार खेल होगा? देखिए राजनीति कोई खेला नहीं होता, राजनीति एक बहुत ही सीरियस चीज है, वो खेला नहीं होता, वो खेलते खेलते आदर्श कर लेंगे। सर आपने परिवारवाद पर एक कमेंट किया था, कहा था कि उनके लिए जो सब सरकार पार्टी को नहीं काम करना था। अरे बंगला तो पहले नहीं, अरे आज आप कोई भी परिवार ये सामान्य नहीं होता, यहाँ जनता सर्वोपरि। क्या ये भी कहा आपने
अरे यार रुक जाओ यार। उसके आदर्श रहे जहाँ इतनी ज्यादा हिंसा होती है, जहाँ वहाँ सही माने में मैंने जो राज्यसभा में कहा कि दम ना कि करप्शन चाहती है। और अब परिवर्तन होगा, क्योंकि पहले जो परिवर्तन हुआ था वो सत्ता का परिवर्तन हुआ था, लेकिन अब जनता का परिवर्तन होगा। तो देखिए दिनेश त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने काफी अहम बातें कही हैं और सीधा सीधा निशाना टीएमसी पर साधा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौट रहे हैं।